जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सभी को मेरी राम राम। और आज हम शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की। तो सुबह सुबह रात में काफ़ी बारिश हुई है और पेड़ वेड़ सब साफ हो गए हैं। और ये हमने भैंस के लिए बोई थी बरसी, तो बहुत तेज़ हवा चली थी कल, तो उसी से ये थोड़ी लेट गई है। अब धूप ऊप लगेगी तो हो सकता है सही हो जाए। देखिए गुलाब के फूल भी खिल रहे हैं। ये पौधे हमारे बहुत ही पुराने हैं, 20 साल के पौधे हैं ये। और सबसे पहले हम लगा लेंगे झाड़ू। हमारे बराबर में ही स्कूल है सरकारी, तो बच्चों की बहुत ही आवाज़ आती रहती है। थोड़ा पानी डाल के गेट को धो देंगे। सुबह को थोड़े से पानी से गेट जरूर धोना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए गेट को हम अच्छे से धो देंगे पानी डाल के। और अब हम चूल्हा साफ कर लेंगे, इसकी सफाई करके, और इसको पोता मिट्टी से पोत देंगे। और अब मैं नहा ली हूँ, नहा के अब बनाऊँगी खाना। तो कल मैं बथुआ लेके आई थी, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, तो वो कुछ मैंने काट के और उबाल लिया है आलू डाल के। बथुए में थोड़े आलू डाल लेते हैं तो उसकी रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे कचौड़ी बनाओ या पूड़ी बनाओ या फिर तुम रोटी बनाओ या पराठे बनाओ, कुछ भी आलू डाल के बथुए में बहुत ही अच्छी चिकनाई भी आ जाती है और बहुत ही अच्छा बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो मैंने आलू डाल के उबाल लिया है और निचोड़ के सब मसाले उसमें डाल के बना लिया है बथुआ। और अब बनाऊंगी मैं बथुए की रोटी। तो देखिए रोटी मेरी तवे पे ही फूल रही है। बथुए की रोटी गरम गरम बहुत ही अच्छी लगती हैं, मक्खन रख के खाओ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है बारिश की वजह से, बारिश हुई थी तो आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो आग भी चूल्हे की थोड़ी उड़ रही है। तो देखिए कितनी अच्छी रोटी बनी है।
ये गांव का सादा सादा खाना है अपना, बथुए की रोटी और मक्खन रख के या फिर घी रख के और छाए और गुड़। देखिए ये रोटी मैंने गोपाल जी के लिए बनाई है, भोग के लिए पहली रोटी, और दो मैंने एक गाय की और चिड़िया की भी बना दी थी। एक रोटी डालते हैं हम चिड़िया को सुबह, और एक गाय को, दो रोटी हम ज़रूर निकालते हैं। देखिए बथुआ भर के अंदर और इस लोई को अच्छे से मोड़ के और लोई बना के, इस तरह से रोटी बहुत अच्छी बनती है। देखिए सभी रोटी मैं इसी तरह बना लूँगी बथुए की। सर्दियों में ये बहुत ही अच्छा खाना है गांव में, सुबह को तो इसी तरह खाते हैं सर्दियों में बथुए की। और आपको आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो सभी को मेरी राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।